दोस्तों लेबर कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे बनाना है इस वीडियो के अंदर हम पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो ऐसे में दोस्तों आप भी अपना लेबर आईडी कार्ड बना सकते हैं। और एक बार दोस्तों आपका लेबर कार्ड बन गया तो ऐसे में दोस्तों आप गवर्नमेंट से बहुत से तरह तरह के जो लाभ है उससे आप ले सकते हैं। वो चाहे दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट के जो लाभ है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी स्कीम वगैरह आती है डायरेक्टली दोस्तों आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं लेबर आईडी कार्ड से। ठीक है, तो कैसे दोस्तों आप अपना लेबर कार्ड बनाएंगे, पूरा प्रोसेस क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों ऑनलाइन लेबर कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप कर देना है स्टेट गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये टाइप करके आपको सर्च करना है, पहला लिंक आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट का, तो इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपके सामने जो गवर्नमेंट का पोर्टल है ये ओपन होकर आ जाएगा। इस पोर्टल पर दोस्तों आप देखेंगे तो लगभग सभी स्टेट का यहाँ पर नाम दिया है। जिस जिस स्टेट का यहाँ पर नाम मिल जाता है आप लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं। टोटल दोस्तों यहाँ पर 34 स्टेट का जो है नाम दिया है, 34 स्टेट में जो है लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं, अपने स्टेट के ऊपर जो है क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ओके करना है, आप अपने स्टेट की पोर्टल पर आ जाएंगे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, लेबर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। थोड़ा इंटरफेस अलग भी हो सकता है सभी स्टेट का, ठीक है। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा तो यहां पर अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाता है आधार सत्यापन, ठीक है, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है, यहाँ पर नेम टाइप करना है जो आधार कार्ड में दिया है, और ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आप देखेंगे फॉर्म जो है ओपन होकर आ जाएगा। अब इसी फॉर्म को दोस्तों आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्कर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, तो इसे भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है। यहाँ पर एरिया बताना है, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फ़ोटो यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना। अब यहाँ पर आपको अपना जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वार्ड नंबर सिलेक्ट करना है। नीचे आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसे टाइप कर देना है, ठीक है, यानी कि परमानेंट टाइप जो जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हो वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है। दोनों एड्रेस अगर सेम है तो ये चेकबॉक्स पे बस क्लिक कर देना है, यहाँ का एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर भी आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम देना है। अगर आप एक महिला हैं तो ऐसे में आप अपने हस्बैंड का भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क सेलेक्ट करना है, जिसमें आप क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है। अब यहाँ पर दोस्तों अदर इन्फॉर्मेशन आपको देना है, जिसमें सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना जो आधार कार्ड है उसे अपलोड करना है, ठीक है। फ्रंट एंड बैक दोनों यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सेलेक्ट करना है कि आपका क्या कास्ट है, ठीक है। सभी ऑप्शन यहाँ पर दिया है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, जो मोबाइल नंबर एक्टिव है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी कि आप अपने भाई बहन मम्मी पापा का मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ठीक है, किसी का भी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद ESI नंबर मांगा जाता है, तो ये दोस्तों एक ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यानी कि पहले जो आप काम कर रहे थे, यहाँ पर देखिए बताया गया है उन निवेशकों का नाम एवं पता जिनके लिए पिछले 12 महीने में कार्य किया गया है, ठीक है। यानी कि पहले आप जिनके लिए काम कर रहे थे उनका नाम पता पूरा जो डिटेल है वो सब दोस्तों आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, तो अच्छे से दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा सबका फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको नीचे आना है,
चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें आपको क्या करना है, जो आपका आईएफएससी कोड है उसे यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। अगर नहीं पता तो गेट बैंक इन्फो पे क्लिक करके आप अपना जो है पता कर सकते हैं। तो हमें पता है, यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है, बैंक सिलेक्ट करना है, किस बैंक में आपका खाता खुला है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैंक ब्रांच नेम आपको टाइप कर देना है, यहाँ पर बैंक का एड्रेस आपको पूरा टाइप कर देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपको देना है अपना। उसके बाद दोबारा से दोस्तों आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल के कन्फर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो बैंक का पासबुक है ना उसका एक फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है, आवेदक यदि पूर्व से ही किसी अन्य कल्याण बोर्ड से का सदस्य है तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो आप इसे जो है नो कर देंगे अगर आप सदस्य नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद राशन कार्ड उपलब्ध, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे, अगर है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर लेना है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर आपको फैमिली मेम्बर का डिटेल देना है, आपके घर में जितने लोग हैं सबका डिटेल आप यहाँ पर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, नाम यहाँ पर टाइप करना है, एड्रेस यहाँ पर, रिलेशनशिप यहाँ पर, एज और जो जेंडर है वो सब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, समझ गए। उसके बाद आपको यहाँ से जो है नीचे आना है, अब नॉमिनी का डिटेल आपको देना है, ठीक है, जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो जो नॉमिनी का नेम है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है, फुल नेम यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद एड्रेस जो है नॉमिनी का वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जिसके बाद दोस्तों रिलेशनशिप, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। जो एज है नॉमिनी का वो आपको यहाँ पर बताना है, इसी प्रकार से बाकी का जो डिटेल है दोस्तों वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि फिलअप करना है, ठीक है, नॉमिनी का। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक CSC मेंबर हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर यस करना है, अगर आप CSC मेंबर नहीं है, खुद का अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे नो रखेंगे। उसके बाद फाइनली आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका काम पूरा हो जाता है, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके रख लेना है, आपका दोस्तों लेबर कार्ड के लिए अप्लाई हो जाता है। जैसे दोस्तों आपका लेबर कार्ड बन जाता है आपको जो है पोस्ट ऑफिस के जरिए मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जो है लेबर कार्ड बना सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।